सो गाइज वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन एंड दिस वीडियो ये वीडियो ना एक मतलब आई थिंक से मुझे एक मैसेज आया था यूट्यूब पे कि जस्ट फिल्म योर डे आज का पूरा दिन ना अच्छे से 20 जुलाई को अच्छे से पूरा शूट करके एंड जस्ट अपलोड दे वो पूरा ना जो भी अर्थ पे एक दिन का डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले तो आई एम जस्ट फिल्मिंग द होल डे और मैं अपलोड करने वाला उधर तो लेट्स से आई थिंक नेक्स्ट ईयर 2021 में दे विल मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ ऑल द बोलते ना यूट्यूबर्स और हु हैव लाइक गिवन देयर वीडियोज ऑफ 25 जुलाई. तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू डू दैट बिकॉज घर पे था एंड आज ऑफिस भी नहीं था तो घर पे मैं क्या करता था एंड बहुत नींद आती थी तो आई स्लेप एक्सरसाइज भी स्किप हो गया आज वो भी नहीं किया. सो देखने गया तो मतलब बाहर जाना नहीं हुआ ज़्यादा नहीं तो ऑफिस आया था बाहर का कुछ देखा था मैं घर पे जो जो किया है लाइक मॉर्निंग को उठा वो सब बाकी चीज़ वही दिखाया हो. सो शुरू करते हैं इसके बाद अपना दिन. सो गुड मॉर्निंग गाइज टुडे इज 25th of July एंड अभी बज रहा है 9. आज पूरा दिन रिकॉर्ड करना है लाइक करते हैं ब्रश. चलो आज है हॉलीडे एंड सैटरडे सुकून की नींद आ रही है पर आज मुझे पूरा डे रिकॉर्ड करना है बिकॉज मुझे कहाँ अपलोड करना है. तो स्टार्ट करते हैं दिन अभी बज रही है 9. चलो ब्रश करते हैं. ओह गॉड मैं हूँ राइटी और लाइक ब्रश कर रहा हूँ. गुड मॉर्निंग उठता हूँ मुँह धोके सो गाइज लाइक मूवी धोके पूरा हो चुका है. फुल बॉटल बस डन पानी पी के अब बनाएंगे अपना ब्रेकफास्ट. चलिए बनाते ब्रेकफास्ट. सो गाइज अभी हम धो गए अपने सब कपड़े जो मैं वीक्स में पहना हूँ लाइक जॉब पे घर पे तो 7 दिन का कपड़ा मैं एक साथ धोता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे. सर्फ एक्सेल ये पानी सर्फ एक्सेल ऐड करने का सर्फ एक्सेल डालने के बाद जोर से इसको तो ना सब भूल भूल बाहर आ जाए. बचपन में ना इससे बहुत खेलते थे. सो जैसा को पता चल जाएगा कि इसके अंदर का सरफेस पूरा मेल्ट हो चुका है तो एक एक करके कपड़े डालने इसमें. फिर देखने का कि कौन सा कपड़े से कलर जाता है जैसे कि रेड वाला इसके अंदर नहीं डालूंगा बिकॉज मेरे सब चीज़ रेड होने लगे तो इसको बाद में भर लिया. पर ये है मेरा जीन्स. तो इस
इसको भिगा दिए। सो गई ले कपड़े अच्छे से भीग चुके हैं, अब इसको हम कर रखेंगे साइड 1 से 1.5 घंटा, उसके बाद हम इसको धोएंगे। पहले बनाते हैं ब्रेकफास्ट, चलो। सो गाइस, देयर वर 4 क्वेश्चंस व्हिच आई डिडंट आंसर लास्ट टाइम, एंड द फर्स्ट वन वाज कि व्हाट डू यू लव द मोस्ट इन योर लाइफ। सो मी, आई लव फर्स्ट थिंग इज कुकिंग, व्हिच यू विल बी सीइंग in my 24 hours of 25th of July, I was cooking my lunch and even my dinner. And the second thing was traveling, for due to this COVID-19, all the traveling plans are cancelled currently. So these are the 2 things I love the most. And you will be seeing this, some shots in this video itself, like cooking, I did cooking, and yeah. सो गाइस, ये अभी मैं बना रहा हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में हम खाते हैं रोटी, मोस्टली सब उसको लंच और डिनर में खाते हैं, पर हम इसको ब्रेकफास्ट में खाते हैं। तो ये मेरा है सूखा रोटी, इसको फुलका कहते हैं, और ये है मेरा ऑयल का रोटी, कुछ चपाती कहते हैं। तो फुलका बनता है पापा के लिए और चपाती बनता है हम दोनों भाई के लिए। तो यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट बन चुका है, देख सक रहे हो कि मैं अच्छे से सेक के लेता हूँ अपने रोटी को, जो चपाती है एक्चुअली। सो मॉर्निंग को मेरा जो ब्रेकफास्ट रहता है नॉर्मली, वो रहता है 2 रोटी या 2 चपाती, कुछ भाजी है जो बचा हुआ रहेगा रात का, और एक हाफ फ्राई। सो गाइस, यू बीन वाचिंग लाइक सम सीरीज ऑन यूट्यूब, लव इट लव इट लव इट लव इट। लेट्स सी, आपको बज रहा है 11, आई मीट यू आफ्टर सम टाइम। सो लाइक मैं वेब सीरीज देख रहा था, बीच में मेरे नेटवर्क इश्यूज़ हो गए लैपटॉप में, तो मैं सोचा कि चलो सो जाते, तो सोया तो स्ट्रेट 3 आवर्स के लिए सो गया था। लेकिन 3 घंटे उठने के बाद ना ऐसा लगता इतना सुकून की नींद मिलती है, लाइक 5 दिन काम करने बाद, वो शनिवार इतना, वीकेंड इतना अच्छा जाता है ना लाइक सोते सोते। तो चलिए आगे का काम करते हैं। अपना क्वेश्चन वाज, व्हाट डू यू फियर फ्रॉम इन योर लाइफ, एंड देयर आर लाइक टॉप 3 or 2 थिंग्स व्हिच आई फियर अ लॉट। लाइक द फर्स्ट थिंग इज लाइक लूजिंग माय क्लोज्ड वंस, that time I include my friends and family, like few family members and my friends are very 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 closest to me. So these are the first thing, and the second thing is like I fear a lot from snakes, a lot. And the third thing is ghost. So these 3 things I fear a lot, they are the top 3 things in my life which I fear a lot. And here ends your second question. सो आप देख सकते हो कि कपड़ा भिगा के ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटा हो गया है। तो मैं उसको अभी धोने वाला हूँ अच्छे से, फिर इसको सुखा के मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्टली लंच पे। तो गाइस, यहाँ मैं ऑमलेट बना रहा हूँ, कि मेरा कपड़ा वपड़ा धोने के बाद नहा धो के हो चुका, तो मैं और फादर अपना लंच करने वाले, तो आज सोचा कि थोड़ा ऑमलेट क्यों ना बनाया जाए। तो ऑमलेट मोस्टली मैं लाइक छोटे तवे में बनाता हूँ, तो देख सकते हो मेरा मस्त बन चुका है। तो मैं अभी इसको अपने थाली में डालूंगा, और ये मेरा खाना है आज, लंच है। तो लंच में मैं बहुत बेसिक खाना खाता हूँ, लाइक मेरा चावल रहता है उधर, पत्ते की भाजी, अंडा और चावल और दाल। इसके अलावा मुझे कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं लगता है। चलिए खाने के बाद मिलता हूँ। सो गाइस, द थर्ड क्वेश्चन वाज लाइक व्हाट डू यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ, लाइक पर्सनल लाइफ एंड ऑन अर्थ। सो आई विल गोना आंसर बोथ द थिंग्स, लाइक द थिंग्स व्हिच आई गोना चेंज इनटू माय लाइफ इज, फर्स्ट थिंग आई वांट टू बी मोर impressive when it comes to my personal life, and the second thing is want to become a better, I'm a good now, but a better decision maker in my life with all the situation which I will face in coming, like in my future. And the second part of the question is what you want to change on earth. So has of all like full world know ki we are facing a very very bad disease, that is corona, COVID-19. So the thing I want to change on earth is I want to see my earth again as the older one, the older version of it, like full of greenery, because soon will all the human beings gonna face a lot of problems in future, like you can see this corona, and soon, like very soon, because full world is changing due to modernization, all the skyscrapers and buildings, all the modern things are coming into our life, but we are forgetting our roots, that is greenery. And I hope ki the world will understand it soon, and we have to do this, otherwise it will be a very late step to take afterwards. So these are the one things I want to change into my life and even on earth as a human being, responsible citizen of this earth.
सो गाइस ये है मेरा डिनर आज का। तो उसमें बन रहा है परवल, आलू और प्रॉन्स। तो ये परवल फ्राई हो रहे हैं, दाल भी पक रहा है, उबलने को रखे कि ठीक हो जाए। तो ये है तुअर का दाल जैसे कि आपको दिख रहा है। बोला ना फूड बनाना मुझे बहुत पसंद है। और ये प्रॉन्स फ्राई करके रखा हो तो जाएगा एक परवल के भाजी के अंदर। और उसके मसाले के लिए यहाँ जो कांदे काट के रखा हो और यहाँ एक अच्छा सा पेस्ट बनाया हो मसाले के साथ। तो आप देख सकते हो भाजी पूरा रेडी हो चुका है। तो ये इतना ढाबे जैसा कैसे एकदम थिक और मसालेदार हुआ दिखा था। छोटे छोटे प्रॉन्स भी दिख रहे हो गए, एकदम सुपर टेस्टी हुआ था भाजी। इसका वीडियो भी मैं जल्दी शूट करूँगा फ्यूचर में। तो ये और मेरा दाल एकदम धनिया डाल के मस्त बन चुका है। और दाल तो हमारे घर में बहुत नेसेसरी है। चलिए सो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। अभी बज रहा है 10:30 PM या PM हो रहा है, रात हो रहा है अभी। तो मेरा डिनर ऑलमोस्ट बन चुका है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। ये वीडियो के पहले आप देखिए मेरे डिनर में आज क्या बना है। तो डिनर बन चुका है, बस अभी खाना है। तो खाओगा 11 बजे, बिकॉज लॉकडाउन के वजह से लेट खाने का आदत हो गया है। और ये रूम पे ना लाइट फैन नहीं है, इसलिए बहुत पसीना आ रहा है। एंड घर भी साफ सफाई हो चुका है। तो मेरा जो डे था ना इसमें चले गया। तो मैंने पूरा शूट किया है। एंड प्लीज़ जिसको मैं सबमिट करूँगा ये वीडियो को सिलेक्ट करके एंड पुट इन योर डॉक्यूमेंट्री, बिकॉज उसके लिए मैंने आज पूरा मेहनत किया है। एंड आज आफ्टरनून को मैंने ना मतलब ये देखा दिल बेचारा हॉटस्टार पे। एंड इट इज़ रियली अ ग्रेट मूवी, लाइक यू विल लव टू सी इट। प्लस जो भी सुशांत के बारे में अभी लोग उसको ज़्यादा देख रहे, मुझे इतना कन्फर्म पता है अगर सुशांत अभी जिंदा होता लाइक ही वुड बी अलाइव नाउ, लोग उसको इतना प्रेज नहीं करते। बट इट इज़ अ गुड मूवी एंड इसके बारे में को ज़्यादा बोलना नहीं है, बिकॉज सबको बाहर पब्लिक डोमेन पे है इसके बारे में। एंड सो ये मेरा दिन ख़त्म होता है इधर। लाइक इसके पहले आपको मैं डिनर दिखाने वाला हूँ, क्या है क्या नहीं, क्या खा रहा हूँ। सो बाय फॉर नाउ, सी यू। सो गाइस ये है मेरा डिनर, एकदम बेसिक चावल दाल और आलू परवल की भाजी। चलिए शुरू करते हैं। एंड सो गाइस द फोर्थ थिंग, द फोर्थ क्वेश्चन वाज लाइक व्हाट डू यू हैव इन योर पॉकेट्स। सो गाइस टुडे लाइक आई एम वेयरिंग अ मैचिंग शॉर्ट्स एज यू कैन सी, एंड इट हैज नथिंग ऑन बोथ साइड्स, विच आई विल शो द सेकंड पॉकेट आल्सो। सो माय बोथ द पॉकेट्स आर एम्प्टी। And even when I like go to work or outside, my formals have two pockets. I only carry handkerchief on my left pocket, and on the right pocket there is my cell phone, that's my mobile. And even on jeans, like if I want to carry some money, I carry it in the smaller pocket inside. Every jeans has it. Otherwise, while wearing formals, it is in my bag. So I don't carry wallet at all. So currently, like my pockets are empty. So this was the fourth question which I answered, and I think so I end up all the questions which need to be in the video. So guys, welcome back again, and अभी बज रहा है 11:55, it's almost like end of the day, 12 बजे. So like आज दिन भर में क्या 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 I've recorded each and every bit of it, like घर से लेके like washing clothes, brushing and watching दिल बेचारा and every possible thing which I can do on Saturday. बाहर जाने से कुछ दिनों कोरोना चल रहा है, सो डे एंड हो रहा है एंड गुड नाइट। सो दिस वॉज अ गुड डे एंड आई रिकॉर्ड ईच एंड एवरी थिंग। सो होप सो कि मेरा ये डॉक्यूमेंट्री में आ जाए नेक्स्ट ईयर। एंड यस, फिंगर क्रॉस एंड गुड नाइट। बहुत नींद आ रही है। So I hope all who are viewing this video or who will be a part of this video will be safe from this current situation which are facing like all over the world is corona, and we will like hopefully see a good future and a greenery green future ahead. Bye for now.